नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खास खबरों पर नजर डालते हुए, भारत पहुंचे 5 राफेल, कितनी बढ़ेगी वायुसेना की ताकत, बढ़ सकती हैं योगी की मुश्किलें, विरोध में एकजुट हो रहे हैं विधायक, राज्यपाल ने फिर लौटाया प्रस्ताव, गहलोत ने कहा लड़ाई जारी रहेगी, शिवराज के बाद मंत्री भी कोरोना की चपेट में, लापरवाही का नतीजा, अमिताभ ने खोया संयम, ट्रोलों के लिए कहा ठोक दो डेस्क डेस्क को। खास खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का। लेकिन सिलसिला शुरू करने से पहले एक निवेदन। निवेदन ये है कि अगर आप गोदी मीडिया को नापसंद करते हैं, चाहते हैं कि उसका खात्मा हो, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना पड़ेगा, उसकी ताकत बनना पड़ेगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। हम चाहते हैं कि आप इसमें अपना आर्थिक योगदान दें और स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करें। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करके भुगतान कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चीन के साथ लद्दाख सीमा पर तनातनी के बीच आज 5 मल्टी रोल फाइटर जेट राफेल लैंड भारत आ चुका है। भारतीय वायुसेना के पायलट इन विमानों को फ्रांस से लेकर आए हैं। इस खेप को वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने खुद अंबाला पहुंचकर रिसीव किया। भारतीय वायुसेना ने में दाखिल होते ही अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने पर रफाल को वाटर सैल्यूट दिया गया। पहली खेप में 5 विमान हैं, बाकी विमानों की सप्लाई 2022 तक होगी। राफेल को भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है और इससे वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव और पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ जारी साजिशों के बीच राफेल के आने से निश्चित रूप से भारत के हौसले बुलंद हो गए। लेकिन भारतीय वायुसेना में अभी भी काफ़ी बेड़े की ज़रूरत है, स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। 2 दशक पहले ही भारतीय वायुसेना में 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत थी, लेकिन वर्तमान में भी 28 ही स्क्वाड्रन भारत के पास हैं। मालूम हो कि एक स्क्वाड्रन में 12 से 20 विमान तक होते हैं। राफेल विमानों को खरीदने की सिफारिश फरवरी 2012 में की गई थी और यदि वक्त पर इनकी खरीद का सौदा संपन्न हो जाता तो आज भारतीय वायुसेना के बेड़े में केवल 5 नहीं कुल 120 लड़ाकू विमान शामिल हो जाते। तो ये बहुत खुशी की बात है वायुसेना के लिए, भारत के लिए, देश की सुरक्षा के लिहाज से कि 5 राफेल विमान हमारे हिंदुस्तान आ चुके हैं, हमारी सेना का हिस्सा बन चुके हैं और किसी भी बाहर की चुनौती से निपटने के समय ये हमारे लिए मददगार साबित होंगे, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। लेकिन इसको लेकर किसी तरह का भ्रम भी हमें नहीं पालना चाहिए, जैसे कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो इन चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है कि ऐसा लगता है जैसे इन 5 राफेल विमानों के आने के बाद भारत अपराजेय हो गया है, वो चीन से भी निपट लेगा, पाकिस्तान से भी निपट लेगा। लेकिन ऐसा है नहीं, इन 5 विमानों से हमारी शक्ति में इजाफा हुआ है, लेकिन हमें अभी वायुसेना की जो ताकत है उसको बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमें 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, 42 बेड़ों की ज़रूरत है, जबकि हमारे पास कुल 28 बेड़े हैं। राफेल में अगर सौदे में गड़बड़ी ना हुई होती, किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश ना की गई होती सरकार की तरफ से, तो ये 120 या 110 विमानों का सौदा होता और जो विमान 3 गुना कीमत पर ख़रीदे गए हैं उनसे हम ज़्यादा विमान हासिल कर पाते और शायद तब हमारी वायुसेना की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ती। तो ये एक कहना चाहिए कि शिकायत रहेगी। और ये वायुसेना में अभी इसको लेकर खुशी तो है, लेकिन वैसी खुशी नहीं है जैसी आप मीडिया में देख रहे होंगे। मीडिया से तो ऐसा लगता है कि भारत ने अब सारी जंग जीत ही ली है, अब चीन भी नहीं टिकेगा और पाकिस्तान भी नहीं टिकेगा और कोई महाशक्ति आ जाए तो उसको भी परास्त कर देंगे हम इन 5 राफेल के भरोसे। लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर है, परे है, इसलिए किसी तरह की मुगालते में हमें नहीं रहना चाहिए, किसी तरह का भ्रम नहीं पालना चाहिए। हमारी ताकत में इजाफा हुआ है, और विमान आ जाएंगे उससे ताकत और बढ़ेगी, लेकिन अगर हम चीन के साथ तुलना करेंगे तो अभी हम
बहुत कमज़ोर हैं उसके मुकाबले, ये हमें समझ के चलना पड़ेगा, अन्यथा हम किसी धोखे में आकर कोई गलती कर सकते हैं, बेवजह चीन से भिड़ सकते हैं और 1962 जैसी स्थिति भले ना हो लेकिन दुर्गति हो सकती है। इसलिए ये समझदारी के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ हमें अपनी सेना की तैयारियों की और मजबूतियों का आकलन करते रहना चाहिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ बीजेपी के ही विधायक और सांसद लगातार मोर्चा खोल रहे हैं। हरदोई से बीजेपी के सांसद जय प्रकाश रावत ने फेसबुक पोस्ट लिखकर सरकार से तो अपनी नाराज़गी का इजहार किया ही है, योगी सरकार को संकेतों में चेताया भी है कि वह जनप्रतिनिधियों की दिक्कतों को समझे। सांसद ने कहा है कि 30 साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी ऐसी बेबसी महसूस नहीं की है। सांसद ने कहा है कि 30 साल के कार्यकाल में उन्होंने कभी ऐसी बेबसी महसूस नहीं की है। उनका ये दर्द तब जुबां पर आया जब हरदोई से ही बीजेपी के नेता प्रियम मिश्रा ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर एक मुद्दा उठाया। मिश्रा ने लिखा, कोरोना के दौरान माननीय सांसद और माननीय विधायक लोगों ने जो अपनी निधि का पैसा दिया था, उससे अगर हरदोई ज़िला अस्पताल में एक वेंटिलेटर मशीन लग जाए, आप सोचिए कि एक पूरे ज़िले में एक वेंटिलेटर मशीन की बात हो रही है, लग जाए तो लोगों को कोरोना के बाद भी बहुत राहत मिलेगी। इस पर कई लोगों के कमेंट के बाद सांसद की ओर से भी कमेंट किया गया, लेकिन सांसद का कमेंट आते ही खलबली मच गई। सांसद ने लिखा, मैंने अपनी निधि इसी शर्त पर दी थी कि वेंटिलेटर खरीदा जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, निधि कहाँ गई पता नहीं। सांसद ने लिखा, जब ऊपर से ये निर्देश होगा कि अधिकारी अपने विवेक से काम करें तो हमको कौन सुनेगा। हमने अपने 30 वर्षों के कार्यकाल में ऐसी बेबसी कभी महसूस नहीं की। लोगों की कुछ और टिप्पणियों के बाद सांसद जयप्रकाश ने लिखा, वह खुद बहुत शर्मिंदा है क्योंकि सांसद विधायक की कोई सुनने वाला नहीं है। प्रियम मिश्रा की इसी फेसबुक पोस्ट पर हरदोई की गोपा मऊ सीट से बीजेपी विधायक और पहले भी कई बार नाराजगी जता चुके श्याम प्रकाश का कमेंट आया और उन्होंने लिखा कि सब कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया। ये वही विधायक श्याम प्रकाश हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले फेसबुक पर लिखा था, मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना इस समय सुन और देख रहा हूँ। जिससे शिकायत करो वो खुद वसूली कर लेता है। कुछ महीने पहले ही सीतापुर से बीजेपी के विधायक राकेश राठौर का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने ताली और थाली बजाने का विरोध किया था। इसे लेकर बीजेपी की ओर से उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। इस साल कई महीने में बहराइच ज़िले के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भी अधिकारियों को फटकारते हुए पूरे ज़िले को लूट का अड्डा बना देने का आरोप लगाया था। विधायक ने कहा था कि राशन किटों में घोटाला हो रहा है। पिछले साल दिसंबर में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तब खलबली मच गई थी जब सत्तारूढ़ दल के लगभग 100 विधायक विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की थी और विपक्षी दलों के विधायकों ने भी उनका साथ दिया था और अफसरों पर बेलगाम होने का आरोप लगाया था। तो योगी सरकार किस तरह से चल रही है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। केवल जो कानून व्यवस्था के बारे में हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे जंगल राज आ गया है, वो उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि उनके ही नेता, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक खुद को बेबस पा रहे हैं क्योंकि पूरी जिम्मेदारी सरकार ने, योगी ने पूरे ब्यूरोक्रेट्स पर टिका दी है और वो नौकरशाह अपने ढंग से उसको चला रहे हैं उत्तर प्रदेश को। तो एक बेबसी उनकी है, फिर करप्शन का मामला है, हर विधायक हर सांसद करप्शन की शिकायत कर रहा है। 100 विधायक पहले ही धरना दे चुके हैं और इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर भी कई तरह की गुटबाजियां इसको लेकर हो रही हैं। योगी कैंप और योगी के ख़िलाफ़ कैंप भी सक्रिय है। इसका मतलब ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी के ख़िलाफ़ एक माहौल बन रहा है, बन चुका है, जिसमें केवल उनके विपक्षी दलों के लोग शामिल नहीं हैं या नाराज़ जनता शामिल नहीं है, बल्कि उनकी पार्टी के विधायक, सांसद, नेतागण भी शामिल हैं। तो ये खतरे की घंटी बहुत पहले बज चुकी थी, अब खतरा योगी सरकार के सिर पर है, लेकिन दिक्कत यह है कि उनके सिर पर मोदी और शाह का हाथ है और जब तक वो हाथ है तब तक योगी की कुर्सी सुरक्षित है। योगी को कुछ होने जाना नहीं है जब तक कि ये जो असंतुष्ट
सांसद विधायक जनप्रतिनिधि हैं वो खुले विद्रोह पर उतारू न हो जाएं, सीधे सीधे चुनौती न देने लगें, तब तक योगी पर कुछ आँच नहीं आएगी, ये स्पष्ट तौर पर दिखता है। अगली खबर लेते हैं। राजस्थान में राजभवन और सरकार के बीच टकराव और बढ़ सकता है, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्रा ने गहलोत सरकार की ओर से विधानसभा सत्र बुलाने के भेजे गए प्रस्ताव को लौटा दिया है। ये तीसरा मौका है जब प्रस्ताव लौटाया गया है। गहलोत सरकार ने मंगलवार को राज्यपाल को तीसरी बार प्रस्ताव भेजा था और कहा था कि वो हर हाल में 31 जुलाई को विधानसभा का सत्र बुलाना चाहती है। प्रस्ताव वापस लेने के बाद गहलोत राज्यपाल से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रेम पत्र तो मिल चुका है, अब मिलकर पूछूंगा कि क्या चाहते हैं। 21 दिन के नोटिस पर उन्होंने कहा कि 21 दिन हो या 31 दिन, जीत हमारी होगी। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार राज्यपाल ने ऐसा सवाल किया है, सोचो देश किधर जा रहा है। बता दें, इससे पहले गहलोत कह चुके हैं कि वो इस लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर लड़ेंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास का घेराव करना पड़े या राष्ट्रपति के पास जाना पड़े। तो अब गहलोत के सामने विकल्प बहुत सीमित हैं। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि राज्यपाल कलराज मिश्रा एक कठपुतली राज्यपाल की तरह, रीढ़ विहीन राज्यपाल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, केंद्र सरकार के इशारों पर नृत्य कर रहे हैं और अपने विवेक का इस्तेमाल, अगर है कहीं तो, उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। जबकि ये मैंडेटरी है कि अगर कैबिनेट कोई सिफारिश करता है, कोई मांग करता है, निवेदन करता है, तो उसको इस तरह से बार बार नहीं ठुकराया जा सकता है। लेकिन राज्यपाल को चूंकि ऊपर से निर्देश मिले होंगे कि अभी सत्र नहीं बुलाया जाए, ये न बीजेपी के माकूल है, न ही पायलट कैंप के माकूल है, न ही बीएसपी जो अब बीजेपी के साथ खड़ी है उसके माकूल है, इसलिए टाइम लिया जा रहा है। कोर्ट के ज़रिए कुछ निर्णय हासिल करने की कोशिश की जा रही होगी और कुछ और भी प्रबंध किए जा रहे होंगे, सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स के ज़रिए। तो ये सारा जो पूरा षड्यंत्र एक शुरू से हम देख रहे हैं इस पूरे राजस्थान संकट के मामले में, वो अभी जारी रहेगा। अब गहलोत सरकार के सामने विकल्प बहुत सीमित हैं। जाहिर है कि जितना लंबा समय खींचेंगे उतना ही उनके लिए दिक्कतें बढ़ती जाएंगी और दिक्कतें बढ़ाने के लिए ही राज्यपाल लंबा समय देते जा रहे हैं बीजेपी को, बीएसपी को और पायलट धड़े को। तो ये एक बहुत खुला खेल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए, राज्यपाल की भूमिका को लेकर, केंद्र सरकार की, बीजेपी की भूमिका को लेकर। और अब तो शक तो खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन न्यायालय की भूमिका भी लोग संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में गहलोत इन सब से कैसे जूझते हैं, वे कैसे प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति निवास पर धरना देने की अपनी जो घोषणा है उस पर अमल करते हैं, किस तरह से दबाव बनाते हैं, किस तरह से जनता के बीच एक माहौल बनाते हैं, ये आने वाले दिनों में और स्पष्ट होता जाएगा। अगली खबर का रुख करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि कृपया अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते हुए चलें, वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए इस मामले में थोड़ा ज़्यादा आप प्रोएक्टिव रहें। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का गजब हाल है। पहले अफसर कोरोना से पीड़ित हो रहे थे, अब मुख्यमंत्री और मंत्री कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री तुलसी सिलावट कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सिलावट ने बुधवार सुबह ट्वीट करके स्वयं और पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना दी तो हड़कंप मच गया। इसके अलावा राज्य मंत्री राम खेलेवान पटेल भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बीते शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। मुख्यमंत्री ने कोरोना होने के बाद सभी सहयोगी मंत्रियों और उन लोगों को क्वारंटीन करने का मशवरा दिया था जो उनके बेहद आसपास रहे थे। दरअसल शिवराज को कोरोना होने के ठीक पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सभी सहयोगी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चाएं भी की थीं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी ज़्यादातर मंत्री क्वारंटीन नहीं हुए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत और एक अन्य पदाधिकारी को भी कोरोना निकला है। एक विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव की
कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री से मिलने वाले कई नेता और अधिकारी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। सीएम से पहले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया को कोरोना निकला था। भदौरिया के साथ सीएम ने कई बैठकें की थी। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में सत्य हिंदी से कहा, केवल जनता पर दबाव डालने से कुछ नहीं होगा, जिम्मेदार लोगों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। तो मध्य प्रदेश सरकार में आपने शुरू से देखा होगा घनघोर लापरवाही है। एक तो सरकार उलटने पलटने के खेल के बाद, फिर कोई स्वास्थ्य मंत्री न होने के बाद, फिर छोटा मंत्रिमंडल होने के बाद, और फिर पूरे अधिकारियों के संक्रमण में फंस जाने के बाद जो स्वास्थ्य विभाग है उसके अधिकारियों के, और अब मंत्रियों का। तो ये पूरी सरकार ही कहना चाहिए कि एक तरफ तो सत्ता के लालच से संक्रमित थी पहले, सत्ता के लोभ से, जिससे ये सरकार का निर्माण हुआ है, और ये कोरोना से भी संक्रमित है। तो एक अक्षम नाकारा सरकार किस तरह से पूरे राज्य को मुसीबत में डालती है और खुद भी मुसीबत में पड़ती है, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने किस हद दर्जे की लापरवाही बरती होगी। कोरोना के काल में लोगों से बातचीत करते हुए, मिलते जुलते हुए, राय मशवरा करते हुए, उन्हें जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी वो क्यों नहीं बरती उन्होंने, और फिर उनके मंत्रियों ने भी क्यों, अगर उन्होंने कहा था क्वारंटीन करने को तो क्यों नहीं किया। तो ये साफ हद दर्जे की लापरवाही। आप देखिए कि इस लापरवाही की इंतहा ये है कि मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो मास्क नहीं लगाते, सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाते हैं, और ये क्या संदेश देता है। ये तो उसी तरह का है जैसे डोनाल्ड ट्रंप मास्क नहीं लगाते हैं, या बोल्सोनारो ने मास्क न लगाने का फैसला किया, और जिसकी वजह से उनके देशों में लगातार कोरोना बढ़ता गया, और ये हमारे नरोत्तम मिश्रा महोदय भी यही कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी सरकार ढक्कन टाइप की दिखती है। ये शब्द मैं जानबूझ कर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही मध्य प्रदेश में, वो बहुत ही दुखदाई है, शर्मनाक है। कहीं भी कोई गंभीरता नहीं है, कहीं भी कोई रणनीति नहीं है, योजना नहीं है। आनन फानन में जो भी जैसा हो रहा है वो हो रहा है, और उसकी वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और अब आज की आखिरी खबर लेते हैं। तार्किक बातें रखने और सवाल पूछने वालों पर टूट पड़ने वाले ट्रोलों से परेशान अमिताभ बच्चन का जवाब विवाद का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर काफ़ी संयमित और दोस्ताना ढंग से पेश आने की बात करने वाले अमिताभ बच्चन इससे पहले इतने गुस्से में शायद कभी नहीं दिखे थे। वो इतना ज़्यादा गुस्साए कि उन्होंने लिख दिया, ठोंक दो डैश 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 को, डैश डैश का मतलब आप निकाल सकते हैं। उनके गुस्से को इससे भी समझा जा सकता है कि उन्होंने इस पर ब्लॉग लिख दिया। ट्रोल की उन्होंने राक्षसों से तुलना की और समाज पर एक कलंक बताया। कोरोना संक्रमण का इलाज कर रहे अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दोनों को मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनकी बहू ऐश्वर्या और पोती आराध्या की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि ऐश्वर्या और आराध्या की रिपोर्ट अब निगेटिव आ गई है और दोनों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है, लेकिन अमिताभ और अभिषेक की रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव है। अमिताभ बच्चन ने ट्रोल की लाइन का जिक्र कर अपने ताज़ा ब्लॉग को लिखना शुरू किया। बच्चन ने लिखा, वे लोग मुझे लिखते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना से आप मर जाएं। बच्चन ने आगे लिखा, अरे मिस्टर अज्ञात, आप अपने पिता का नाम भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपको किसने जन्म दिया। केवल दो चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, या तो मैं मर जाऊंगा या मैं ज़िंदा रहूंगा। अगर मैं मर जाऊं तो आपको जिंदा लिखने के निंदा लिखने के लिए नहीं मिलेगा, और किसी सेलिब्रिटी के नाम पर टिप्पणी लिखने का मौका ख़त्म हो जाएगा। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि यदि ईश्वर की कृपा से मैं बच जाता हूं और जीवित रहता हूं, तो आपको केवल मुझसे ही नहीं बल्कि बहुत रूढ़िवादी स्तर पर 90 करोड़ फॉलोअर्स, रूढ़िवादी स्तर का मतलब है कम से कम अगर माने तो 90 करोड़ फॉलोअर्स के तूफान का सामना करना पड़ेगा। आगे उन्होंने लिखा कि मैं इनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, ठोक दे डैश डैश को। इसके बाद अमिताभ ने राक्षसों का जिक्र कर ट्रोल को समाज पर कलंक बताया। उन्होंने लिखा, मारीच, हिरावण, महिषासुर, असुर, उपनाम हो तुम, हमारा यज्ञ प्रारंभ होते ही तुम राक्षसों से तरह तड़पोगे। जान लो कि इतना कि अब तुम ही केवल समाज की ना आवाज़ हो,
चरित्रहीन, अविश्वासी, श्रद्धाहीन, लीचड़ तुम हो, जलो, गलो, पिघलो, बेशर्म, बेहया, निर्लज, समाज कलंकी, अपने ही आक्रोश में जल भुनो। तो आप देखिए कि जिसे लोग महानायक की पदवी से नवाजते हैं उसकी भाषा का स्तर, अब सोच का स्तर भी इतने नीचे चला गया है कि अपने ट्रोल की, अपनी आलोचना को, निंदा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इतने सारे विशेषणों के साथ, इतनी सारी अपशब्दों के साथ संबोधन कर रहे हैं। वो खामोश रह जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। ऐसे ट्रोल से भरे पड़े हैं। आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं तो ऐसे लोग मिलेंगे। सवाल यह है कि आप उनके साथ कैसे पेश आते हैं, आपका व्यवहार क्या है। तो इस मामले में स्पष्ट रूप से अमिताभ बच्चन का व्यवहार वो मर्यादित नहीं है जो एक सार्वजनिक इस तरह उनके कद के, उनकी शोहरत वाले व्यक्ति से अपेक्षा रखी जाती है। हालांकि उनके व्यवहार में बहुत सारे और भी ऐसे दुर्गुण हैं जिन पर मीडिया में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं, उनके अंधविश्वासपना को, उनके मतलब परस्ती को, उनके सरकार परस्ती को, तमाम तरह की चीज़ें हैं उनके व्यक्तित्व में जो बहुत बहुत ही कहना चाहिए कि जो टुच्चे स्तर की हैं। लेकिन अब इसके बावजूद उनके जो प्रेमी हैं, प्रशंसक हैं, उन्हें फिर भी बहुत ऊंचे रखते हैं। लेकिन इस भाषा के में संवाद करके उन्होंने अपने को निश्चित रूप से थोड़ा और छोटा दिखाया है। और अब बुलेटिन खत्म करने से पहले आइए कोरोना से संबंधित कुछ ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दें। एक सर्वे हुआ है जिसके हिसाब से मुंबई के जो झुग्गी झोपड़ी इलाके हैं उनमें 57% को संक्रमण हो चुका है। भारत में संक्रमण का आंकड़ा 15 लाख के पार जा चुका है। आंध्र प्रदेश में 20 दिनों में संक्रमण में 400% का उछाल आया है और दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,67,00,000 से अधिक हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।